आइए सुनते हैं रेडियो के अंदाज में दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। पहली खबर हाईकोर्ट से लेकर। हाईकोर्ट ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली खबर महंगाई को लेकर। कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए जद्दोजहद कर रहे उत्तराखंड पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। अप्रैल से मई महीने के दौरान उत्तराखंड देश से अधिक महंगाई बढ़ी। अगली खबर देहरादून में क्या रहा 24 कैरेट सोने का भाव। देहरादून में 10 ग्राम सोने का भाव 49,670 रुपए रहा। कल की तुलना में आज 24 कैरेट सोना 90.0 रुपए बढ़ा। वहीं चांदी का भाव 73,180 रुपए रहा। अगली खबर कोविड-19 को लेकर। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए राज्य में सीरो सर्वे शुरू हो गया है। अंत में खबर मौसम को लेकर। पिथौरागढ़ चंपावत जिलों में बुधवार को बारिश के चलते पिथौरागढ़ घाट NH पर 25 घंटे से अधिक समय तक NH पर आवाजाही ठप होने से सीमांत में पटरी से जनजीवन उतर गया। तो ये आपने सुनी रेडियो के अंदाज में आज की तमाम मुख्य खबरें। इसी तरह की अन्य दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए रोजाना बने रहें रात 9 बजे PCP News पर।